शुरुआत कर रहे हैं नई फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने अभी अभी जो मैं जो जितने भी मूवी कर रहा हूँ, सारे अलग अलग कंटेंट कर रहा हूँ, और अभी जो हम लोग मूवी कर रहे हैं, इसका टाइटल ही अपने आप में खूबसूरत है। टाइटल है मेरा सोना मेरा बाबू। तो जाहिर सी बात है, आज कल की जो लाइफ स्टाइल चल रही है कॉलेज के लड़कों को लड़कियों की, तो इनकी एक प्यारी सी लव स्टोरी है जो कॉलेज में आते हैं पढ़ते हैं, तो एक दूसरे के प्रति किस तरीके से मोहब्बत, यानी कि आजकल की रियल लव स्टोरी कहा जा सकता है। इसमें स्टार कास्ट कौन कौन होंगे? मेरे इस फिल्म में कई सारे स्टार कास्ट हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि बाकी जो इसमें जो लीड कर रहे हैं हमारे लड़के और लड़कियां, वो दोनों नए हैं और बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं। आप बोल सकते हैं कि अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री हैं, और ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, टैलेंटेड हैं जी। और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? और हमारे फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये बोला जा सकता है उनके बारे में कि अभी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर म्यूजिक करने वाले हैं, और बड़े बड़े सिंगर हमारे फिल्म में गा रहे हैं, और म्यूजिकली हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हमारे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं करण वाही जी, अभी उनकी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, और बाकी हमारा तो दोस्ताना उनसे बहुत पुराना है, तो हमारे साथ तो जम के काम हम दोनों एक साथ कर रहे हैं। मिलवाना चाहेंगे? बिल्कुल मिलवाना चाहेंगे। नमस्कार, करण भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने आकर। एक नई शुरुआत फिल्म मेरा सोना मेरा बाबू जो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो कोशिश है कुछ अच्छा कुछ अलग करने की, सोच रहे हैं कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आप सबके आगे लाया जाए, जिसे अपना जिसमें डायरेक्टर हैं हमारे अमिताभ भाई, अमिताभ कुमार जी, जो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अपने काम को निभा रहे हैं और एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो इसमें जो हमारे लीड में हैं मेल में, तो गोविंद शर्मा हैं और सोनू सिंह हैं, और बाकी फीमेल वगैरह सब अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कास्टिंग चल रहा है फिल्म का, जल्दी ही आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा लेकर आएंगे। करण जी, बात की जाए इसमें गीत संगीत की तो कितना अलग हो, जो कि आपकी एक अलग शैली है गीत संगीत में। जी, कोशिश है कुछ अच्छा, देखिए हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि कुछ अच्छा कुछ अलग किया जाए। तो ये है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए जो हमेशा मिलता है। तो कहते हैं ना कि हर कोई कुछ ऐसा होता है जिसके बिना सब अधूरे होते हैं, तो मेरे सिंगर्स हैं उनके बिना मैं अधूरा हूँ, है ना। तो मेरे सबसे पहले तो दर्शक हैं जिनके बिना मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो उन सबका सपोर्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। अभी एक मेरी हिंदी फिल्म और नेक्स्ट मंथ रिलीज है ब्रेकअप, जिसका लखनऊ में शूट हुआ है और बहुत अच्छा शूट हुआ है उसमें, तो उसमें भी काफ़ी मार्केट के आर्टिस्ट हैं, सुनील पाल जी भी हैं, और काफ़ी अच्छा। अभी रिसेंटली एक फिल्म मेरा जी म्यूज़िक से आया था, गुजराती फिल्म थी, हद थाई गई, तो उसको भी बहुत प्यार मिला। तो अभी इसके बाद फिर मेरा सोना मेरा बाबू तो अपना कुछ अलग करने की कोशिश है, आप सबका सपोर्ट चाहिए। और बाकी जो आपकी टीम है मिलवाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम अपने अपना लीड आर्टिस्ट जो हमारे हैं गोविंद शर्मा, इनसे मिलवाना चाहते हैं। मैं गोविंद शर्मा सबसे पहले अपने श्रोताओं को नमस्कार करना चाहता हूँ, और गोर छुके गोर लागत नहीं सबके। कौन सा पिक्चर है हमारा? मेरा सोना मेरा बाबू, हमारा एक पिक्चर आ रहा है मेरा सोना मेरा बाबू, इसमें मेरा मेन रोल है, और एक हमारे साथ में जो है वो उनका क्या नाम है, सोनू जी, सोनू सिंह जी हैं उनके साथ में, हमारे साथ में, तो इस यही सब है हो रहा है। कितने तैयारी किया है आपने अपनी एक्टिंग का? और ये पूरे तैयारी तो भरपूर हुआ है, हाँ एकदम भरपूर तैयारी हुआ है। कितना धमाल मचाने वाले हैं? धमाल तो बहुत मचेगा, मान लीजिए कि मतलब खेसारी जैसा धमाल मचेगा। और हमारे फिल्मों में हमारे अच्छे अच्छे राइटर लोग हैं जिनका सहयोग है, और सिंगर्स लोग हैं, तो मैं उन लोगों से भी मिलवाना चाहूँगा। मुहूर्त है और संगीत में गानों से होने जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को अलका झा का सादर प्रणाम है, और आज बहुत ही प्यारी फिल्म बिल्कुल मेरा सोना मेरा बाबू
मतलब नाम ही इतना खूबसूरत है तो फिल्म तो ऑलमोस्ट होनी ही है, सीधी सी बात है। और बहुत ही प्यारे डायरेक्टर हमारे अमिताभ जी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो सबसे मस्त होता है वो है म्यूज़िक, तो करण भाई जी, जो मैं क्या बोलूँ, मतलब मल्टी टैलेंटेड, उन्होंने हिंदी भी की है, गुजराती भी की है और भोजपुरी भी की है, मतलब सभी भाषाओं की फिल्में की हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। और डायरेक्टर अमिताभ कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल, जैसे सभी फिल्मों को उन्होंने एक मुकाम तक पहुंचाया है और मैं चाहती हूँ कि ये भी फिल्म उनकी बहुत अच्छी बने। और नाम सबसे बड़ी चीज़ की, नाम मेरा शोना बाबू है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, उसमें सब चीज़ें शोना ही होंगी, सब चीज़ें बाबू ही होंगी, मतलब अच्छी होंगी क्योंकि सीधी सी बात है जी। सागर परदेसी जी, आप आए जी गीतकार, आप इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये पिक्चर में अभी गाना डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या लिख रहा हूँ, लव सॉन्ग है या आइटम सॉन्ग है, मतलब यह कि आई थिंक जो डायरेक्टर है या हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उस लायक हमको समझे हैं कि इसमें हमारा नाम दिए हैं कि सागर जी से गाना लिखाया जाए। हम आगे चल के पता है कि क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को आइटम लिखे या लव लिखे, कि उस लायक समझे कि जो टाइटल है फिल्म का जो मेरे बाबू मेरे सोना, तो आज का तो टाइटल के नाम पे समझेंगे कि क्या होगा, लव सॉन्ग होगा या जो भी होगा। आइटम के लिए ज़्यादा फिट है। अगर आइटम देखिए, अगर आइटम होगा तो आइटम लिखेंगे। मैंने एक्चुअली जितने इनके गाने गाए हैं वो आज तक जो भी गाए हैं वो आइटम नंबर गाए हैं, तो इसके लिए एक होता है ना। अरे वो बात सही है कि आइटम ज्यादा लिखता हूँ, लेकिन सिचुएशन होना चाहिए मैडम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो। और डायरेक्टर का अगर डिमांड हो कहानी का तो हम आइटम लिखेंगे, या हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बोले कि नहीं आपसे आइटम लिखवाना है, तो आइटम के लिए तो मैं आइटम के लिए ही बन के आया हूँ। आइटम के लिए आप आइटम बन के आए, आइटम का पार्ट हमेशा, इसीलिए आइटमों के समझे, आइटम गाने में आइटमों के लिए भी बन के आए हैं, इसके लिए हमेशा आइटम लेके घूमते रहते हैं। उसके लिए काफी हमारी जानकारी, आइटम गाना अच्छा लिखते हैं हम, हमारे जो डायरेक्टर है या म्यूजिक डायरेक्टर है आशीर्वाद देंगे जो क्या करना है, बाकी आप लोग दर्शक हमारे कितना प्यार देती है हमारी मूवी को देख के। बताना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर सर हैं हृदेश जी जो यहाँ पे आए हैं और इन्होंने हमारे इस फंक्शन का मान बढ़ाया यहाँ आकर, जो कि बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर हैं हृदेश कांबले जी, जिन्होंने बहुत मतलब मार्केट की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है। आप आमिर खान कह दीजिए या सैफ अली खान कह लीजिए, जो भी बड़े बड़े मार्केट के आर्टिस्ट हैं उन लोगों के साथ काफ़ी काम किया है और काफ़ी फिल्म्स हैं इनकी मार्केट में। तो अभी ये आए हैं अपना आशीर्वाद देने हम लोगों को, तो आइए मिलवाते हैं हृदय जी से। जी सर बताइए आज का जो मुहूर्त किया जा रहा है। नहीं नहीं, पहले तो मैं इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और मेरे दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर करण भाई का अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म शुरू हो रही है। बेसिकली फिल्म शुरू होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिल्म बन के रिलीज़ भी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी मतलब दिली इच्छा है कि ये फिल्म अच्छे से बने और अच्छे से रिलीज़ हो और पब्लिक को पसंद आए। जी क्या शुभकामना देंगे पूरी टीम को? शुभकामना यह है कि फिल्म अच्छे से अच्छी बने और लोगों को पसंद आए और ये अच्छे से अच्छा कमाई करे। थैंक यू। मैं करण वाही म्यूजिक डायरेक्टर, हमारी ये जो अभी फिल्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरा शोना मेरा बाबू, ये संजीवनी म्यूजिक बैनर से आ रहा है, तो आप सभी का बहुत सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को और संजीवनी म्यूजिक को। थैंक यू जी। मैं नमस्कार सागर परदेसी, और मेरी एक पिक्चर आ रही है मेरा बाबू मेरा सोना, संजीवनी म्यूजिक के बैनर तले आ रही है, और मैं चाहूँगा कि ये पिक्चर काफ़ी पॉपुलर हो और संजीवनी म्यूजिक के बैनर तले हिट हो, और आप संजीवनी म्यूजिक को प्यार दें, आशीर्वाद दें और देखें और फिल्म का शुभकामना करें। और इसके सारे गाने संजीवनी म्यूजिक से आएंगे? ऑडियो वीडियो संजीवनी म्यूजिक का ही सर, और जितने गाने हैं सब संजीवनी ऑडियो वीडियो से आएगा। दोस्तों मैं अलका झा, सिंगर अलका झा, और मेरी बहुत ही प्यारी फिल्म मेरे शोना मेरा बाबू संजीवनी म्यूज़िक से रिलीज़ होगा, तो आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्लीज़ इस फिल्म को भी दीजिए और इस कंपनी को भी दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ ऑडियो वीडियो रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली, मतलब म्यूज़िक रिलीज़ होना तो ऑडियो वीडियो ही रिलीज़ होना, सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच। शेख राजपूत सिंगर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा करण भाई जी का जिनका म्यूज़िक है इस फिल्म में मेरी बेबी मेरी शोना, और संजीवनी म्यूज़िक की तरफ से रिलीज़ हो रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि सॉन्ग जल्दी से रिलीज़ हो और लोगों के बीच में आए। और जैसे कि करण जी मेरे बड़ी खास हैं और हमने काफ़ी काम किया साथ में, तो लेट्स सी काफ़ी अच्छा म्यूज़िक होने वाला है और सॉन्ग रिलीज़ होगा, फिर देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं।
आज फिल्म का मुहूर्त में मेरा सुना हुआ बाबू और फिल्म जल्द ही फ्लोर पे जाने वाली है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरे प्रोडक्शन के लिए, मेरी म्यूजिक टीम के लिए, आप लोग के लिए, कि जल्दी से फिल्म आए और प्रमोशन करिए, हमारा गाना है और जल्दी से हम सुपरहिट हुए तो यही हमारी फिलहाल शुभकामनाएं हैं इस चीज़ को लेकर। ओके सर, शान सक्सेना है, मैं इस मूवी में छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ और मेरी ब्लेसिंग्स मूवी सर सबके साथ हैं, अपने भाई सिंगर हैं अभिषेक हैं, हमारे सर कविन भाई और अमिताभ जी ने जिन्होंने मुझे एक रोल दिया है, तो मैं पूरा जस्टिस करूंगा इस रोल के साथ और लेट्स सी जल्दी से थिएटर में लगे और आप सबकी दुआएं से मूवी वगैरह भी हिट हो। संजीवनी मूवी से प्रेजेंट कर रही हैं, वहीं से फिल्म जी होगी, ये मूवी बिल्कुल संजीवनी मूवी प्रोडक्शन से रिलीज़ हो रही है, वहाँ से ही गाने भी हैं, वहाँ से पूरा आपका प्रोडक्शन वर्क है, तो आप सभी लोग आइएगा तो मूवी रिलीज़ होने के बाद आपको डेट पता चल जाएगी। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? मैं एक्चुअली इसमें एक पठान का रोल निभा रहा हूँ, अभी वो एक्चुअली पूरा से जस्टिफाई नहीं हुआ है, लेकिन लेट्स सी स्क्रिप्ट के बाद, मे बी पठान के बाद कोई और भी रोल होगा तो वो भी शायद मैं करूँगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं अभी पठान का रोल कर रहा हूँ इसमें, तो देखते हैं क्या। मैं कहना चाहूँगी कि ये जो फिल्म बन रही है इसका जो टाइटल है वो मेरे ख्याल से सबको बहुत पसंद आएगा, फिल्म के जो डायरेक्टर है अमिताभ कुमार, म्यूज़िक डायरेक्टर है करण वाही और प्रोड्यूसर है बिपिन बिहारी और इसमें मेरा कैरेक्टर है एक टीचर का, जो टीचर आप आगे देखते जाइए और मज़े लीजिए, आगे और खबरें आती रहेंगी और मूवी देखने में जितना मज़ा आएगा हम आगे काम करने में भी हमें उतना मज़ा आएगा। संजीवनी म्यूजिक से ये फिल्म प्रेजेंट की जा रही है, वहीं से इनका जो है ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें आती रहेंगी दर्शकों के बीच, क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं इस फिल्म से एक मैसेज मिलेगा जो लोग सीखेंगे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा कुछ रिश्ता जो कायम होता है या नहीं होता है, लोगों की थिंकिंग चेंज होनी चाहिए एंड इट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, एवरी पेरेंट्स। अपने बारे में बताएंगे? आपका नाम? जी, मेरा नाम वंदना योगी है, मैं सालों से एक अच्छी डांसर हूँ और अब एक एक्ट्रेस हूँ। मेरी अपकमिंग मूवी जो आ गई है जीरो, उसमें मैंने छोटा सा कैरेक्टर किया है, मेरे काफ़ी सीन कट भी हो गए, नो इशू, बट काम तो होती रहेगा। जी, मैं सोनू सिंह भोजपुरी सिंगर भी हूँ और एक्टिंग भी, और एक्टिंग का भी शौक़ है जी, और आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से इस फिल्म में भी काम कर रहा हूँ। पहले भी एक मैच मूवी है उसमें भी, वो उसका भी शूटिंग हो सकता है कि फरवरी से शुरू हो जी। तो आपकी जो आज फिल्म है उसके बारे में बताना चाहें, जिस फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है, हिंदी फिल्म है जी, अच्छी है कहानी इसकी, अच्छी है, इसका अच्छा संदेश जाना चाहिए मतलब लोगों में, और बाकी स्क्रिप्ट राइटर जो अपने हिसाब से लिखे हैं वो अच्छा ही है। क्या किरदार है इसमें आपका? इसमें मैं लीड कर रहा हूँ जी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए, म्यूजिक डायरेक्टर की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, करण भैया जो हैं, करण भाई जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनसे मैं 10 साल पहले एक दिल्ली में अपना सॉन्ग का म्यूजिक कराया था, वहाँ पे अच्छा म्यूजिक, बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये, और अमित जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के वो भी बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है हमारे नज़र में, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम भी किया पहले जी। अब सिंगर से एक्टर भी बन गए हैं तो कितनी तैयारियां करनी पड़ रही है एक्टिंग के लिए? बहुत ही मेहनत तो करना ही पड़ता है, देखिए किसी भी फील्ड में अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और अच्छा लगता है, मैं तो 24 घंटा ही मतलब काम ही में रहता हूँ, अगर सोने का नहीं बनाया होता तो मैं सोता भी नहीं शायद जी, मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे आप सिंगर हैं तो ढेर सारे आपके म्यूजिक वीडियो भी आते होंगे, तो हिंदी और भोजपुरी में कितने आए आपके? हिंदी में भी हैं कुछ और भोजपुरी ज़्यादा हैं, लेकिन अब मैंने चूँकि मैं 1.5-2 साल से मुंबई आया हूँ तो अब हिंदी का सोच रहा हूँ कि हिंदी का ही मतलब किया जाए, हिंदी भोजपुरी दोनों जी। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी टीम जो है सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए, इस फिल्म के को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए और आगे अगर जब बनती है फिल्म, जब रिलीज होगी तो आप लोग जाइए और हम लोग का हौसला बढ़ाइए, यही कहना चाहेंगे। हम लोग का पूरा वो रहेगा कि हम लोग जितना अच्छे से अच्छे इस फिल्म में काम किया जाए मिलजुल के। ये जो फिल्म है
इसके ऑडियो वीडियो जो होंगे वो संजीवनी कंपनी के माध्यम से होंगे, और आप लोग दर्शकों से ये निवेदन है कि आप लोग आशीर्वाद भरपूर दीजिए इस कंपनी को, संजीवनी को। पहले तो जितना भी हमारे श्रोतागण हवन, सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, सब लोग को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार है, प्रणाम है, और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को मेरी तरफ से, और हमारे बड़े भाई संदीप तिवारी जी की तरफ से आप सभी श्रोता को। जी तो बताइए, आज जो फिल्म का मुहूर्त है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो फिल्म का मुहूर्त है, जिस फिल्म का टाइटल है मेरा सोना मेरा बाबू, बड़ी मुझे खुशी मिली इस टीम का एक, सॉरी इस फिल्म का एक हिस्सा बन के, जिनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भाई करण वाही जी, जिनके साथ मैं काफ़ी दिनों से काम करते आ रहा हूँ, और काम तो दूर की बात, हम लोग एक बहुत ही घरेलू रिलेशन है हमारा उनके साथ, एक छोटे भाई और बड़े भाई का। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली कि जब 3-4 दिन पहले मेरे पास कॉल गया करण भैया का, बोले कि एक फिल्म कर रहा हूँ ऐसा, तो मुझे उस दिन सबसे बड़ी खुशी हुई कि मैं उस फिल्म का एक हिस्सा बना हूँ। और आप लोगों को बता दें कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमिताभ कुमार जी भी हमारे बहुत अच्छे एक भाई हैं, मतलब उनके साथ भी काफ़ी पहले से हमारा एक रिलेशन रहा, छोटे भाई बड़े भाई का। तो इसमें जितने भी टीम मेंबर हैं वो सब हमारे घर से हैं और एक फैमिलियर हैं। ये जो कंपनी प्रेजेंट कर रही हैं इसको, संजीवनी डिजिटल, वो भोजपुरी की काफ़ी जानी मानी कंपनी है, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने, तो ये सबसे बड़ी बात है। जी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस फिल्म का जो टाइटल है वो काफ़ी बहुत बढ़िया लगा मुझे सुन करके, एकदम यूनिक लगा, और यूनिक लगा, सही कहा आपने कि मेरा सोना मेरा बाबू। अब सोना भी यही है, बाबू भी वही है, जितना प्यार से हम लोग कहते हैं, हर किसी को कहने का एक मौका मिलेगा कि भाई मेरा सोना मेरा बाबू देखी क्या, लोग यही कहेंगे जब थिएटर में से आएंगे निकलेंगे ऑडियंस बाहर, तो हर कोई यही कहेगा कि भाई मेरा सोना मेरा बाबू बहुत बढ़िया लगी और बहुत अच्छी मूवी है करके। और मैंने भी इसका कहानी सुनी, इसकी स्क्रिप्ट सुनी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, और भी लोगों को इसका कहानी के माध्यम से लोगों को जो पता चलेगा कि जो मैसेज जाएगा ये बहुत अच्छा जाने वाला है। और मैं तो सोचता हूँ कि इसी तरह की मूवी बना करे, और आप लोग दर्शकों से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थिएटर में जाइए और फिल्म को देखिए। और मैं संजीवनी म्यूजिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो आज उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी जो सहयोगिता दिखाई है, और जो वो कहना चाह रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी हमारी टीम को, हमारे लोगों को जो सलाह दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, जो जिन्होंने कदम बढ़ाया है अच्छाई की ओर, और हमेशा उन्होंने कुछ अच्छा ही किया है, इस बार भी अच्छाई की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया, तो ये बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए। और जितने भी हमारे नवयुवक जो हैं, पीढ़ी जो काम करना अच्छा करना चाहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति तंग हो या कहीं ना कहीं से बाधित हो, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में संदीप तिवारी जी जो भैया हैं यहां पे, इन्होंने भी हमेशा वही काम किया है, एक नए लोगों को हमेशा उठाया है, तो इसलिए हम लोग एक यूनिट होके काम कर रहे हैं और इस फिल्म में देखिए। और बात की जाए, अगर संगीत की बात करते हैं आप, तो संगीत जरूर छेड़ेंगे क्योंकि हम लोग म्यूजिक टीम से हैं, तो आपसे पहले मैंने बोल दिया कि अगर संगीत की बात की जाए तो करण भैया का जो एक कंपोजिशन होता है, या एक मैं राइटर होने के नाते बोलता हूँ कि हम लोग को जो खेलने का मौका मिलता है गानों में, कि जैसे कुछ वर्ड होता है चेंज करना होता है, तो हम लोग बड़ा इजीली करते हैं, या उनकी कंपोजिशन में कुछ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भैया ऐसे करेंगे तो ये कंपोजिशन और अच्छा होगा, कंपोजिशन में बोलते हैं कि ये वर्ड अगर यहाँ के जगह जित यहाँ डालें तो बहुत ईजी हुआ, तो हम म्यूज़िकली जो एक रिलेशन है उनके साथ, कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर वाला जो रिलेशन है, वो एकदम फ्रीडम मिलता है काम करने का, कि कहीं भी कोई शब्द चेंज करने में या कंपोजिशन चेंज करने में ऐसा नहीं लगता है कि नहीं नहीं ये जो शब्द है यही होगा, ये जो कंपोजिशन है, तो म्यूज़िकली ये मुझे लगता है कि आई थिंक ये म्यूज़िकली बहुत बड़ी फिल्म बनेगी, क्योंकि उनका जो एक म्यूज़िकली जो एक सेंस है वो बहुत हाई लेवल का सेंस है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से वर्क किया है और बड़े हिटेड गाने दिए हैं हम लोगों ने, एक डिफरेंट गाने दिए हैं जो आज भी, अच्छा आज भी मैं एक सुबह सुबह मैंने एक टीवी ऑन किया, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा चैनल है बिग मैजिक गंगा, तो हमने मैं और करण भैया ऐसे ही बैठे थे और हम लोग एक प्लान कर रहे थे रिक्रिएट भोजपुरी में फर्स्ट टाइम का, तो वो गाना हमने ऐसे ही बनाया, प्लानिंग किया और गाना बना, और वाकई वो गाना
इतना खूबसूरत बना, विनय बिहारी जी के बोल थे, मैंने उनको रिक्रिएट किया था, तो इतना अच्छा बना। जब मैं सुबह टीवी खोला तो देखा सारेगामा लेडीज चैंप एक शो आता है, उसमें किसी ने परफॉर्म किया था, जो बंदा 3 एपिसोड से डेंजर जोन में था और आज उस गाने को परफॉर्म किया और इतना अच्छा कि सारे यूनिट सारी टीम मिले उठे और ताली बजाए। और यही कहना हुआ कि इस शो में जितना भी अब तक का एपिसोड हुआ था उस सबसे यादगार एपिसोड रहा ये। ऐश्वर्य निगम जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, जिन्होंने गाना गाया था मुनि बदनाम, वहीं मेघा श्रीराम जी और भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जाने माने गीतकार और डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर विनय सर, ये तीनों लोग जज कर रहे थे। मुझे मतलब उस दिन इतना खुशी मिला कि हम लोगों ने एक अच्छाई की तरफ कदम रखा था। मुझे नहीं पता था कि ये गाना बजेगा कि नहीं बजेगा, कैसा रहेगा रिस्पांस, लेकिन कई बार हम लोगों ने टीवी पे चलाया, इस गाने को चलते हुए देखा, बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग काम इस तरीके से किया था कि कैसा रहेगा और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। सेकेंड मैंने इनकी भैया की एक कंपनी है MJ मोशन पिक्चर, वहाँ से मैंने अभी एक गुंजन सिंह का किया था उनके साथ ही, पूरा हिंदी पैटर्न गाना, पटाखा एल्बम का नाम था, इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो हम लोग देखे कि कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे, नया करेंगे तो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, हम लोग वही एक ही चीज़ को ठोके ठठारे कि नहीं यार ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती है, ये हो जाएगा, नया करिए अपने आप अच्छा होगा। बस अब कितना बोलिए, अब फिर नया साल क्या कहना चाहिए। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम, मैं हूँ अवंतिका यादव और हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर है विपिन बिहारी जी और डायरेक्टर है अमिताभ कुमार। ये बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, वैसे टाइटल तो देख ही रहे हैं आप लोग, मेरा सोना मेरा बाबू, तो लव स्टोरी है। आप किसको मेरा सोना मेरा बाबू कहने वाली हैं? मैं जो फिल्म के हीरो हैं, दो जन हीरो हैं, अभी मुझे पता नहीं है कि किसको मैं बोलूंगी। चलो दो हीरो थे, एक तो सोना बोलोगे एक तो बाबू बोलोगे, पता नहीं मुझे। संजीवनी म्यूजिक प्रेजेंट कर रही है, संजीवनी म्यूजिक से ये फिल्म आएगी जिसके गीत संगीत संजीवनी म्यूजिक से ही सुनने को मिलेंगे, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खुशी की बात है कि मैं, वैसे मैं ये फर्स्ट फिल्म कर रही हूँ जो कि एज अ लीड है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप पूरी टीम को जो फिल्म की शूटिंग होने है कितना एंजॉय करने वाले हैं? हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, अमिताभ जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच अमिताभ जी। उनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं करण वाही जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगीत बहुत ही प्यारा गीत संगीत है, मैंने सुना तो अभी नहीं है ज़्यादा, लेकिन बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दूंगी। थैंक यू। ये फिल्म का आज मुहूर्त है, मेरे को अवंतिका मेरी अच्छी दोस्त है, उसने मेरे को बुलाया कि उसकी फिल्म में मेरा नाम मेरा सोना मेरा बाबू, और ये फिल्म का नाम भी बहुत अच्छा लग रहा है, सोना बाबू, आजकल लोग हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को बोलते तो ऐसी कुछ स्टोरी होगी इसमें। तो पूरी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं चाहूँगा कि फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्दी आए और उसमें भी हम लोग इनका काम देखने को मिले और इनको हम जितना इनको प्रमोट कर सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि सब न्यू कास्ट है और सबको अच्छा काम करना चाहिए। और क्रिसमस आ रहा है तो सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। मैं वही बोल रहा हूँ कि पूरी टीम को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ कि फिल्म की शुरुआत हो रही है इतने अच्छे तरीके से हो रही है, और अपने अजीत भाई ने इसमें गाना भी लिखे हुए हैं। कितने गाने लिखे हैं भाई? सिलसिला चालू है। अच्छा, चलो अजीत भाई को भी ऑल द वेरी बेस्ट, अपने म्यूजिक डायरेक्टर करण भाई को ऑल द बेस्ट, और डायरेक्टर साहब अमिताभ कुमार जी को भी ऑल द वेरी बेस्ट, और पूरी स्टार कास्ट को ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी मूवी आ रही है यार आप लोग के बीच में, तो आप लोग किसे प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। संजीवनी से आ रही है।